आज मुझे कस्टमर का एनिवर्सरी केक का ऑर्डर आया। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि केक को बड़ा दिखना चाहिए। अब 3 kg का केक कितना बड़ा दिखेगा। चलो केक बनाना चालू कर दिया था, केक क्रम्बल कोट करने लगी, लेकिन दिमाग में मेरे यही चल रहा था कि केक को कैसे बड़ा दिखाए। नीचे केक को क्रम्बल कोट करके फ्रिज में रख दिया, फिर ऊपर के केक को मैंने क्रम्बल कोट करना स्टार्ट कर दिया। एनिवर्सरी केक है तो फूल लगाने थे, ये तो डिसाइडेड था। उसके लिए मुझे फूल मार्केट भी जाना था। एनिवर्सरी केक के लिए फूल भी लाने थे तो मैंने फूल ला लिए। हाय नागपुर की गर्मी, तोबा तोबा, यहाँ पे तो गर्मी मार्च में ही चालू हो जाती है। फिर क्या, केक को आइसिंग करना था। नीचे के केक को आइसिंग कर दिया, तभी दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि इस केक के ऊपर क्या करूं। फिर एकदम से दिमाग में आया कि चलो स्पेसर का यूज़ करते हैं। स्पेसर का अगर यूज़ किया तो केक अपना बड़ा दिखेगा। दिमाग शांत हो गया और मैंने तभी के तभी कस्टमर को फ़ोन लगाया। कस्टमर को फ़ोन लगा के उनके साथ आइडिया डिस्कस किया। कस्टमर एकदम खुश हो गया। फिर ऊपर वाले केक को आइसिंग करके फ्रिज में रख दिया, फूलों को रैप करके रख दिया। अभी बस केक को एक के ऊपर एक रखना था और फाइनल करना था। देखो मैंने ये सब करके अपना केक बना लिया, तो बन गया मेरा सुंदर सा एनिवर्सरी केक जो एकदम अलग दिख रहा था और सबको पसंद आया। कस्टमर तो इतना खुश हो गया कि 3 kg में मुझे इतना अच्छा केक मिल गया, और वो खुश हो गए तो मैं भी खुश हो गई। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय गजानन।